नाजरीन, कैसे सभी लोग? आज आप लोगों के साथ कराची की आवाज़ से अहम अपडेट शेयर करूंगा। आप लोग मेरे बनाए वाई वीडियो से भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज कराची में हमने देखा कि सी क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा थे और बादल भी काफ़ी ज़्यादा कराची में छाए रहे, जिसकी वजह से आज बारिश नहीं हो सकी कराची के अंदर। ज़्यादातर समुद्री बादल ने कराची पे डेरा जमाया हुआ था, जिसकी वजह से आज कराची में बारिश के टाइम मानसून सिस्टम ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को बारिश दी। अब कराची वाले पूछे बारिश कब होगी, तो वैसे आज चांसेस कराची में इतने थे भी नहीं बारिश के, शाम या रात को थे। तो हम अभी शाम या रात को भी फिलहाल कोई ख़ास सिस्टम की बारिश की अमकर नहीं है। कल सुबह से कराची के अंदर सिस्टम का पीक टाइम शुरू होगा। जैसे कि हमारी पेशेंट हुई कि कल इतवार से इतवार को ज़्यादा बारिश होगी कराची के अंदर। इतवार पीक को कराची में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ कराची में मूसलाधार बारिश के इम्कान अभी भी हैं और 70% चांसेस है कल कराची में बारिश होने। सुबह सिस्टम का जो पीक टाइम है वो कल या सुबह या दोपहर से शुरू होगा। इंशाल्लाह कराची वाले सिस्टम से कल बारिश हासिल कर सकेंगे। कुछ जगहों पर कुछ चैनल्स हैं और फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ पर अपडेट ये चल रही कि सिस्टम बाईपास हो चुका है कराची के लिए, कराची से गुजर चुका है कराची में सिस्टम। अब बारिश सही होगी, सिस्टम कमज़ोर हो चुका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल और परसों कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल आप लोगों के साथ नमा पे नमा सिस्टम के वैसे अपडेट शेयर करता रहूँगा। तब तक हाफिज़ आज फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह कराची में सिस्टम से बारिश होगी, वैसे कराची में अच्छा रहेगा और तेज़ बारिश कराची वाले कल देखेंगे। इस वजह से आप लोगों के साथ वैसे अपडेट शेयर करूँगा। तब तक हाफिज़ आज फिर मिलेंगे।